गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब गाइस? आशा करते हैं आप तो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ गाइस। आज जो दिन है हमारा छठ का दिन है, बिहारियों का बहुत अच्छा बिहार का पर्व है और छठ का इंतजार सबका रहता है। तो इसे छठ का आज मैं आप लोगों को दिल्ली में अभी व्लॉग दिखाने जा रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली में हूँ और अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली का छठ कैसा होता है और कैसा है। चलो अभी आपको दिखाते, पहले हम भी चलते, फिर चलते हैं गाइस। अभी मैं अब आपको सीधा छठ के घाट पे मिलता हूँ, यहाँ से ब्लॉग रोक रहा हूँ, सीधा वहीं पे दिखाता हूँ आपको ब्लॉग का वीडियो। कोई ना होता यहाँ। सो गाइस, ये रहा मेरे साथ मेरा दोस्त आया है, अभी हम जाएंगे नरेला, आपको वहाँ का ब्लॉग दिखाएंगे, जो वहाँ पे भोजपुरी का सुपरस्टार अरविंद अखिला कल्लू जी आ रहे हैं और अभी आपको वहाँ पे दिखाएंगे। पहले अभी आपको यहाँ का दिखा देते हैं। सुबह यहाँ पे कोई सिंगर आएंगे बॉलीवुड के या नहीं, वो भोजपुरी के, और यहाँ पे देखते कौन सा प्रोग्राम होता है, फिर आपको दिखाते हैं। अभी तो खास उतना भीड़ लगा नहीं है, अभी 5 बजे है, 6:30 बजे के आसपास जब शाम होंगे तो भीड़ लगेंगे। भाइयों से, सभी सदस्य से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, तकलीफ हो विनती करते हैं कि सभी सदस्य आए हैं, सदस्य इस पर्व का मजा आनंद और मनोरंजन लेकर के अपने अपने घर जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई तकलीफ या कोई दिक्कत होती है तो हमारी समिति में यहाँ पे डॉक्टरों Thank you.
संकट है। करती है हमारे बीच में उपस्थित और जितने मेहमान प्रदीप जी प्रवीण जी भाई साहब एक बार आइए हमारे बीच में हमारे प्रवीण जी श्री सती मैया का हम यहाँ बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और हम जा रहे हैं रिक्शा में भोरगढ़ नरेला जहाँ पे भोजपुरी का दो तीन बड़े सुपरस्टार आ रखे कलुआ के सारे फ्रेंड पर देते हैं हमारा नसीब किससे मिलने का है और हमारे साथ दो तीन और जा रहे लाइट मार दी दो चार भैया भी है भंडारी भी है और ये रायकोर भाई इधर बड़े बस मिल गया प्रोग्राम का जगह नरेला में रामलीला मैदान के अंदर कलवा का प्रोग्राम हो रहा है और अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं जी अभी हम आगे प्रोग्राम देखने कलवा का और यहाँ पे बहुत तगड़ा भीड़ लगा बहुत ही बड़ा ग्राउंड है अभी देखते हैं कलवा कहाँ पे हम उसको ढूंढे फिर आपको भी दिखाते यही छोड़ गए प्रोग्राम जहाँ पे हो रहा है और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है सीन क्या हुआ गाइस अभी भीड़ नहीं लगा है हम बहुत पहले से आके यहाँ पे रेडी हो गए हैं और अभी भीड़ लग जाएंगे बहुत तगड़ा वाला हम लोग अभी चौमिन खा रहे थे थोड़ा अभी कलवा आया नहीं है जब तक हम सब जाने भी देखो चौमिन उमिन खा रहे हैं अभी मैंने सबसे पहले खा खत्म कर दिया मुझे पता है मैं चैलेंज करता था मुझे आदत हो गया खाने का अभी और कुछ खाएंगे ये अमृता दीक्षित है गायक भोजपुरी का सिंगर गाने गाने के लिए तो आज के दिन अगर झटका सुन नहीं
हमारी सबसे पहले हिंदुओं के महापर्व छठ पूजा, वो सब लोग के खास करके गोल सुखे गोल आ जाते हैं। दरबार में जेकर नहीं उतारेला वो उतारेला तू तो हमारे रिटर्न हो रिटर्न हमारे जैसे बैंको से एकदम चार भुजा धारी चाहता जाए